इंडोनेशिया की सब्जी मंडी में चलेंगे भाई, वहाँ के रेट देखते हैं, सब्जियों के रेट कितने हैं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडोनेशिया घूम रहे हैं तो यहाँ सब्जियों के रेट कितने ज़्यादा या कम होते हैं, और अभी चीज मिलती है यहाँ पे एक टू जेड। अच्छा अच्छा, खाने पीने इस सब्जी मंडी का नाम क्या है भाई ये बताओ? इसका है पासर बुंदर सरागिन। पासर बुंदर सरागिन। अच्छा जी, पासर यहाँ पे जो भी मार्केट होती है ना उसको बोल देते पासर। अच्छा। कोई भी मार्केट जो अगर कपड़े की है तो उसको पासर, कपड़े की बोल देते हैं या उसका अगर पासर लग जाता है। अच्छा, जो भी मार्केट होगी वैसे। अच्छा, यहाँ पे चावल वगैरह सब कुछ और डाउन है अभी भाई। 1:20 हो गया, थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया क्योंकि बाहर ना बहुत बादल हो रहे हैं। हाँ, अभी बरसात होने वाली थी तो हम जल्दी से अंदर आ गए। जल्दी चलो भाई अंदर। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो भाई और पेज को फॉलो कर लो, पहली बार देख रहे हैं तो। हम मंडी के अंदर घुस गए हैं, यहाँ दुकानें लगी हैं, तो क्यों ना हम किसी एक दुकान से ना रेट वगैरह पूछ लेते हैं, या पहले घूम लेते हैं, पहले दिखा देते हैं फिर रेट वगैरह पूछे भाई कितना रेट है। हाँ हाँ, ये देखो जी, ये देखो यहाँ चिकन वगैरह भी मिलता है। अच्छा अच्छा, सब्जी मंडी में ये जैसे क्या चिकन है ना, ये हाफ रोस्टेड है। अच्छा, अभी तो अगर किसी को बनाना है घर पे तो इमीडिएटली जाके उस पे जैसे भी मसाले लगाएगा, पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो जल्दी से हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये खरीदने के लिए कह रहे हैं, खरीदने के लिए कह रहे थे ना। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे अब। हर दुकान में तो हम कह नहीं सकते ना। अच्छा अच्छा, जाएंगे तो उनको तो ऐसे लगता है कि उनको ये नहीं पता कि हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ। उनको ये लगेगा भाई खरीदने के लिए आए हैं। ये छोटे ये देखो जी, प्याज भी इतनी बड़ी है, लहसुन देखो कितने बड़े। हाँ, लहसुन लहसुन के जितना है। ये देखो, हेलो। हाँ, ये देखो जी, हाँ कोकोनट, कोकोनट हो गए इस तरफ। ये गुड़ है भाई, ये गुड़ है, ऐसे डिजाइन का बना रखा है। अच्छा जी, मस्ती में मस्त है, पूरा सो रहा आराम से। ये देखो जी, हाँ भाई वीडियो को लाइक कर दो, पेज को फॉलो कर दो, उनको बोल लो साथ साथ आ जाए फिर। काले पड़ी। हाँ, अच्छा जी, यहाँ दालें दिखेंगे भैया, अभी कुछ दालों के इस तरफ दालें भी है। एक बार इनके रेट पूछ लेते हैं भैया ना, इन दालों के साथ पूछते हैं, उनको लोकल का थोड़ा पता है ज्यादा। अच्छा, तिल वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। अच्छा जी, चावल चावल हो गया, ये काले तिल कितना तो, ये है भाई चावल है, काले चावल है। अच्छा जी, काले काले चावल होते हैं ना, हर हर चावल के। ये अपना मक्का है, ये दाल होगी, मूंग हो गया, मूंग, और ये भूरे और लिटिल बॉस। अच्छा, चलो देखते हैं। ये देखो जी, इस तरफ काफी स्टॉक रहता है चावल के, ज्यादा लोग शौकीन है ना। ये देखो मूंग दाल है, अलग अलग टाइप में है, थोड़ी सी कलर में डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, ये देखो जी, ये मच्छी आ गई, ये मच्छी का मार्केट है। अच्छा, इसलिए इनकी मैक्सी आ रही थोड़ी। हाँ, थोड़ी सी मैक आएगी भाई। ये छोटे छोटी छोटी मछलियों को, हाँ ड्राई फिश है सभी की सभी। ये ड्राई फिश अलग अलग वैरायटी में ना, ये अलग अलग है। ये क्या है कि हर जैसे मान लो हर जगह में है ना, हर जगह में खाते हैं भाई। अच्छा, अपने ये जरूरी नहीं है यहाँ खाते हैं। अच्छा, अपने साउथ इंडिया में जाएंगे ना तो ऐसी मार्केट अपने को मिलेगी। हाँ, ड्राई फिश मिल जाएगा, सही है। 7,000 350 का 7,000। एक किलो है 28,000, लगभग 140 रुपए। 140 रुपए का। हाँ, अगर एक किलो लेते हैं, अभी हमने सिर्फ थोड़ी सी ली है। अच्छा, इन्होंने कुछ बनाना होगा। ठीक है, 7,000 रुपए के लिए। ठीक है, 35 रुपए की उतने मिल गए हैं, ड्राई पीस रहे। ठीक है जी, ये नारियल का। ये देखो जी, वीडियो को लाइक कर दो साथ साथ भाई, पेज को फॉलो कर लो, पहली बार देख रहे तो। हम ना बहुत जगह घुमाएंगे आपको इंडोनेशिया के अंदर। ये देखो मिर्ची, छोटी छोटी मिर्ची, ये हरी मिर्ची है। मिर्ची की भी कई टाइप है यहाँ पे, जैसे अपने वहाँ आती है, देखो काफी टाइप की है ना, लाल पीली। हाँ, ऐसे रहते उनको बोल रही, बस हम रेट पूछेंगे, रेट भी इनका पूछ लेंगे ताकि आइडिया हो जाएगा व्यूअर्स को। हाँ भाई, लाइक तो करो वीडियो, कम से कम लाइक नहीं आ रहे, ऊपर से फॉलो कर लो पेज को। खीरे आ गए, ये तो मेरे ख्याल से स्टोर वाली होंगी ना। नहीं नहीं, ये यहाँ पे इस कलर की होती है, रेड कलर की गाजर नहीं देखी। अच्छा अच्छा, इंडिया में स्टोरेज करते हैं वो, ऐसी जो होती है गाजर यहाँ पे, अगर नॉर्मली होगी तो इस कलर की रहेगी। अच्छा जी, हाय।
हाँ, वो आ जाते हैं भैया भाभी जी, फिर हम ना रेट पूछेंगे इनके, आप भी पूछ सकते हैं लैंग्वेज तो आती है आप पूछ लेंगे। कस्टमर को अभी रेट बता देते भैया, हमने पूछेंगे इनके रेट कितने हैं आगे। ये फली होगी, बीन्स बोलते ना इसको, बीन्स। हाँ, बीन्स बोलते हैं। वी कैन वीडियो दर इंडिया। हाँ, ये देखो जी मंडी के अंदर भाई, बहुत बड़ी मंडी है ये, है ना, यानी कि अपने गांव में भी थी। हाँ, बट वहाँ से हम थोड़ा उसमें आ गए, डिस्ट्रिक्ट में आ गए, शहर की तरफ आ गए। आश्रे हम एवरीथिंग जस्ट फॉर पच्चीस हजार का भाई, मतलब 120 रुपए केजी। हाँ, 120 रुपए केजी है ये छोटे वाले प्राइस हो गए भाई। हाँ, और आलू के कंतंग, कंतंग ब्रापम बा यंग इट्स लेस प्लस रिपनाना 50 लेस, दैट वन 13, दिस वन 11, ये 55 रुपए, 55 रुपए किलो पड़ेगा। हाँ, वो लगभग लगभग अपना 65,000 तक का, थोड़े से फर्क है उसमें वैरायटी में, इसलिए ये बोंग माना बा। ये धनिया है एक तरह से, यहाँ का धनिया है। इसका प्राइस कितना है? दिस है, दिस दिस वन ब्रापा 14 1 केजी, 1 केजी और 1 दैट वन 1 केजी 14, ओके 70 रुपए का। हाँ, 70 रुपए का है, यानी कि 1 केजी का 70 रुपए केजी धनिया हो गया भाई, ठीक है। ये तो कैबेज 4000, अच्छा अपने 4000 रुपए की, 20 रुपए किलो 4000। हाँ, 20 रुपए, 20 रुपए किलो, 20,000 रुपए किलो इंडियन रुपीज हम कन्वर्ट करके ज्यादा बता रहे हैं। ये तो 9000 लगभग 45 रुपए, 45 रुपए किलो। और टमाटर, टमाटर ये तो बो टमाटर पिंतन बो 3000, ये 3000 रुपए, 15 रुपए किलो किलो छोटे, वो 4000। अच्छा अच्छा, वो 20 रुपए किलो, 20 रुपए, ये 15 रुपए। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्याज ये वाले हैं ना, जो लाल वाले हैं, ये महंगे मिलते हैं। अच्छा, थोड़े से, अच्छा, ठीक है, मगर जो बड़ा प्याज होगा ना, व्हाइट वाला, वो थोड़ा सस्ता मिलता है। और खीरे का रेट पूछो कितना है? ये इतू कुकुम्बर रिबो, लीमा रिबो लगभग 25 रुपए किलो, किलो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बार हम ना मंडी में ही दाल चावल के चीनी के इनके रेट पूछ लेते हैं। हाँ, वो शॉप पे और चलते हैं, चलते हैं अभी। हाँ, ये मंडी के अंदर आगे देखते हैं, कुछ शॉप देखते हैं। हाँ, ये तो ड्राई फिश है, थोड़ा घूमो, आओ चलो आगे चलते हैं, उनको भी साथ ले लो, वो थोड़ा खरीदारी करेंगे। ये देखो जी, हम आपको मंडी साथ साथ दिखा रहे हैं, ये फिश वगैरह पूरी यहाँ पे ड्राई फिश रखी है भाई, यहाँ पे ये वाली भी, ये भी होता है प्याज। अच्छा, ये प्याज भी होता है, तो हर का बराबर दुआ पोलू, ये 100 रुपए किलो है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, व्हाइट प्याज रहता है। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा महंगा रहेगा, ये सस्ता रहेगा, वो सस्ता रहता है। और लहसुन का पूछो, लहसुन कितना प्राइस है? इतू तुजुबलास 7 किलो, तुजुबलास, तुजुबलास बोले तो मतलब 17000, 17000 बोले तो भाई लगभग 80-85 रुपए किलो पड़ेगा, 80-85 रुपए, 80-85 रुपए किलो पड़ेगा भाई। और दुकानें भी यहाँ देखो लकड़ी की बनी हुई है, ऊपर से पूरा ऊपर टीन शेड लगा रखा है, टीन शेड रहेगा, ये बड़ी है ना, काफी बड़ी है। तो अभी तो क्या है कि कुछ दुकानें क्या है, सुबह सुबह बंद हो जाती है, सुबह सुबह मार्केट है ये, बट कुछ दुकानें परमानेंट है। ये देखो कितना गुड़ पड़ा है। अच्छा, ये गुड़ का है, गुड़ का ही प्राइस पूछ लो कितना, गुड़ का पूछ लेते बांग, ये तो गुला गुला मेरा का ब्रापा ही तो किलो है, ब्रापा किलो, दो पुलु 100 रुपए किलो है भाई ये। अच्छा, 100 रुपए किलो पड़ेगा, तभी हर का बेटा बेटा या ये तू वरना बेटा बेटा ये तू ब्रापा किलो 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 नंबलास, ये थोड़ा सस्ता है, ये काला सा होगा, ये जो अपना दो ट्राइप के अपने भी आते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये यानी कि अपने 16000 का है, ये 20000 का, नहीं वो 100 रुपए, ये 70 रुपए, 70 रुपए किलो गुड़ है। अच्छा जी, गुड़ बहुत है यहाँ पे, चलो उधर चलते अपने। हाँ, फिर से भाई कैसा लग रहा है? फ्यू वेजिटेबल्स आर कॉस्टली बट सम ऑफ रीजनेबल, पवन जैन जी। हाँ जी, मतलब ठीक ठाक रेट में, वो कंट्री वाइज फर्क हो जाता है प्रोडक्शन के हिसाब से, वैसा ही। सरसों का तेल मिलता है कि नहीं? सरसों का नहीं होगा। अच्छा, मगर और काफ़ी तेल है यहाँ पे, काफ़ी। हाँ, काफ़ी और बिल्कुल बिल्कुल,
ड्राई फिश हाँ। थी अभी दिखाई थी हाँ। आपको जो फिर अली जी आप कैसे हो भाई जी? बहुत बढ़िया हैं जी, सुदर्शन जी बहुत अच्छे हैं जी। आपको मंडी घुमा रहे हैं, मंडी विजिट करवा रहे हैं भाई इंडोनेशिया में। अगर हम सुबह सुबह आते ना हाँ, तो इसमें रश बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हम जानबूझ के अभी सुबह सुबह नहीं आए भाई, क्योंकि भीड़ में फिर मतलब मज़ा नहीं आता दिखाने में, बताने में, वीडियो दिखाने में, पूछने में। सब दुकानदार सब बिजी रहते हैं, इसलिए फ्री है तो उनसे पूछते हैं तो बता भी देंगे अच्छे से। ऐसे भी बता देंगे अच्छे से, मगर क्या है कि एक टाइम में जब वो फ्री है ना हाँ, उस टाइम आए उनको परेशान ना करें तो बढ़िया रहे। बिल्कुल ललित गुरु जी रहे हाँ जी, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी, अच्छे हैं जी। ये देखो जी, इस तरफ और आइटम्स की शॉप होगी, ये सब जैसे क्रूप खींची वगैरह है। अच्छा की शॉप है। अच्छा जी, ये पूरी मार्केट होगी इस तरफ भाई। वीडियो को लाइक कर दो, पेज को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, फॉलो कम हो रहे हैं जी हमारा। 1 मिलियन का टारगेट हम चाह रहे हैं कि आज शाम तक ही पूरी हो जाए, तो एक हम छोटा सा प्रोग्राम कर लें। हाँ तो जी, बारिश आनी शुरू हो गई है, इस तरफ केले रखे हुए हैं अभी मसाले के लिए देते हैं। हाँ वेयर मसाला मार्केट चल, मसाला पूछेंगे अभी। मसाला मार्केट बहुत लोग पूछ रहे मसाला कितना है जी। अभी मसाला दिखाएं, पूछेंगे आप मसाला के रेट पूछेंगे भैया, आप लाइव बने रहे साथ साथ। अच्छा जी, तो ये भी क्या है कि हम यहाँ पे नहीं रहते ना परमानेंट, तो कम पता है इसलिए थोड़ा सा पूछना पड़ा। अच्छा अच्छा हाँ, बरसात आ गई, आवाज़ आ रही होगी भाइयों आपको, देखो कभी तेज हो रही है कभी धीरे आ रही है बरसात, ऊपर टीन है ना तो उसकी वजह से आ रही है, नॉइज हो जाएगा। तो बिल्कुल बेताब जी, ओके थैंक यू। आप कैसे हो अशोक जी? बहुत अच्छे अशोक जी, हम यहाँ पे ना ये खींची वगैरह खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, पापड़ वगैरह। अच्छा, शॉप में देखो ये पूरी पीछे शॉप है जो, ये देखो ये सामने कितना आइटम है, बहुत सारे चिप्स हो गया, ये हो गया, काफ़ी बड़ी मार्केट है भैया पूरी ना अंदर, और पूरी कवर्ड है अंदर से। अभी आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा भाई, इंडोनेशिया में आईफोन की कीमत क्या है वो पूछ के बताएंगे भाई, हमने कितनी कीमत है वो ही पूछ के बताएंगे। मार्केट भी है और वैसे भी है। अच्छा जी, हर सब्जी मिल जाती है यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि कोई सब्जी इंडिया में जो मिल रही है यहाँ नहीं मिलती, हर चीज़ मिलती है। क्या करें वो ऐसे बुली कर रहे हैं हमको, हमको जैसे बुली कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, बाहर भी बनाने आए ना हाँ, या मंगा मंगा है वो बुली कर रहे हैं ये देखो जी, खुश हो रहे हैं मतलब हमें देख के, मतलब जो मसाले वाली शॉप है हाँ, अभी शायद बंद हो गई है। अच्छा जी, अभी यही है सब्जी मंडी खुली है जो नॉर्मल है उसकी है, थोड़ा मसाले की स्मेल तो आ रही है। हाँ बिल्कुल जी, ताहू वो जो अपना ताहू था ना जो दाल का हम जो खा रहे हैं 3-4 दिन से, हाँ हाँ उसका दिखा देते हैं थोड़ा। अच्छा जी, ये देखो ये अंदर ताहू आल्सो, कैसा लग रहा है अभी ये ताहू का है भाई? कमेंट करके बताओ। ये पनीर जैसे मिलता है वैसे पनीर। अच्छा जी, अच्छा बट यहाँ पे दूध का नहीं होता हाँ, दाल का बनता है। अच्छा दाल का बनाते हैं। अच्छा ये लोग बनाते हैं क्या? हाँ ये इनकी फैक्ट्रियाँ होती है बड़ी बड़ी। अच्छा, वहाँ से बन के आते हैं कुछ, यानी कि पके होते हैं कुछ, पके बिना भी आते, कच्चे भी आते हैं, अलग अलग जैसे जो खाना चाहे टेस्ट बना सकते हैं। अच्छा जी, नाइस वीडियो नरेश जी, थैंक यू जी। सोन जी, मंडवा मिलता है क्या यहाँ पे? क्या होते हैं मंडवा? ये क्या होता है भाई, मेरे को खुद को नहीं पता मंडवा क्या होता है, शायद उनकी भाषा में कुछ और बोलते होंगे। हेलो, ये देखो जिस तरफ आ गए, मसाला मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बट मेरे ख्याल से बंद हो गई है हाँ, मसाला मार्केट। बड़ी कितनी मार्केट? काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई ये, काफ़ी हाँ बहुत बड़ी मार्केट है, काफ़ी बड़ी है, हर चीज़ मिल जाती है। हाँ, मसाले की होगी बट वैसी मसाले की अभी आई नहीं है, हमें दिख रही नहीं है। अच्छा अच्छा, होती है मेरे वहाँ पे, अगर जाते हैं यहाँ पे होगी, मगर अभी क्या है कि थोड़ा टाइम हो गया ना इस वजह से बंद हो गई। अच्छा जी, कैसा लग रहा है अभी कमेंट करके? जैसे इंडिया में नहीं मिलते अपने मसाले पीसे हुए मिलते हैं उस टाइप से मिलते हैं, कोई बात नहीं अगर यहाँ नहीं मिले तो दूसरे मार्केट में कल सुबह चल लेंगे। हाँ दिखाएंगे जरूर एक एक चीज़ों को दिखाएंगे। ये देखो जी लोग कितने खुश हो रहे हैं, लोग मिलनसार बहुत हैं भाई यार, मतलब मुस्कुरा देते हैं ना देख के ऐसे। हाँ बहुत खुश रहते हैं, मतलब है ना मस्त है सर।
भाई आप वीडियो अच्छा लगता है जी। राजू जी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच भाई। अभी ना सबके कमेंट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं वीडियो दिखा दें एक बार। वो जो हम बेच रहे थे बोटल्स में, अच्छा, यानी कि वो एक तरह से जितना भी पौधों से बनाई हुई हाँ, ड्रिंक्स होती है, अच्छा, हल्दी की होगी, ऐसे होगी, एनर्जी अच्छा, ड्रिंक, अच्छा जी, आयुर्वेदिक टाइप। बहुत खूब जी, बहुत बढ़िया। और किसी भी जगह को ना आप उसको आंकने के लिए उसकी कैसे लोग हैं, सफाई कैसी है, तो उसका ना टॉयलेट देख लो, टॉयलेट कितना क्लीन है पब्लिक प्लेस का। टॉयलेट बहुत साफ होता है। मैं गुजरात जाता था, इधर उधर जाता था हाँ। तो बोलते हैं कि होटल नहीं लेते थे सफर में, तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे भाई सुलभ शौचालय है वहाँ पे कई बार चले जाते थे तो नहीं नहा नहीं पाते थे, मुश्किल होता था। जब मान लो स्ट्रगल के दिनों में थे, बिल्कुल उस टाइम में जहाँ भी जाते पहले होटल लेते हैं। बिल्कुल, देखो जी बारिश होनी शुरू हो गई, ऊपर से सारे सामान रखना शुरू कर दिया, प्लास्टिक की दुकानें यहाँ पे, पैकिंग की दुकानें मिल जाती है, अच्छा जी सब मिल जाता है, पैकिंग आइटम हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, नाइस टू मीट यू। या या, थैंक यू, थैंक यू। या या, क्या कर रहे हो? मेरे को अंग्रेज समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मिस्टर करके बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तेरे को भी मिस्टर ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो अंग्रेज लगता नहीं हूँ ना। लगता नहीं है तो कोई नहीं, मेरे साथ अब आधा अंग्रेज तो बन गया। ठीक है भाई, को अंग्रेज समझ तो कोई चिकन वगैरह पड़ा है भाई सब। हुँ। ये हाफ फ्राई है। अब क्या है कि जब इसको घर पे लेके जाएंगे, हाँ, बाहर थोड़ी बरसात हो रही है, थोड़ा सा अपने देख लेते हैं, उसके बाद अंदर वापस चले। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बड़ी मार्केट रहती है। बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे अपने पर ज्यादा तो पता नहीं है, मैं दिल्ली रहता था तो पास में खांडसा मार्केट होती थी, वहाँ पे रहते थे, बड़ा मजा आता था। अच्छा जी, फुल भीड़ रहती थी ऐसे। हाँ भाई, वीडियो को शेयर कर दो। सासाराम मार्केट से बाहर आ गए अभी हमें ना, और इस तरह पूरी मार्केट दिखाई हमने अभी, और अभी बाहर के इलाके में छोटे छोटे जो लोग है, हाँ, जो छोटा काम करते हैं। अच्छा, बाहर अपने लगा ली। मीट का रेट पूछना चाह रहे हैं, मीट का प्राइस कितना है? ये माने सी चेक खरगा, ये तो चिकन या आया हजार का है एक किलो, मतलब 170 रुपए किलो के आसपास। हाँ, 170 रुपए। अच्छा जी, ठीक है। मुर्गे चिकन मीट है भाई, ये मुर्गे का है, ये मुर्गे। क्या कह रहे हैं? वो बोले कि खरीदना है क्या? हाँ, तो वो बोले स्वाद ले रहे हैं, खरीदना नहीं है। हाँ, स्वाद ले रहे हैं। खरीदना नहीं भैया, मैं ना हम सिर्फ जानकारी खा नहीं पाते ना। हाँ, ले भी ले तो क्या करेंगे। बिल्कुल, ये पालक है शायद, पालक है ना? पालक नहीं है, कुछ और है। पालक भाई, पालक और नॉट क्या करें, क्या है अलग चीज है ये? वो पालक नहीं है, क्या चीज़ है? पूछो नाम क्या इसका? What say in here? This one? This one is from kacang tree. वो ट्री से है कचम, बट पालक नहीं है। हाँ, ये जैसे वो जो हम कल खा रहे थे टेम्पे के पकोड़े खा रहे थे, दाल से बना होता है टेम्पे। वो उसके बाद खाओगे तो ये तो ले लो, थोड़ा खा लेंगे यार, ये खाओगे। टेम्पे इज फ्रॉम दिस। हाँ, बट बनता इसी से लेना है तेरे को। हाँ, ये खा लेंगे, मसाला डाल के घर पे बना के खाएगा। हाँ, नहीं वैसे ही खा जाएगा। और क्या, ही वांट दिस लिटिल, क्या ये ले लेते हैं भाई। दिक्कत आ जाओ, ये भाई को थोड़ा सा ये है, मैंने देखा यार ये अजीब तरीके से सब्जियां खाते हैं, लोग तो नॉन वेज खाते हैं, ये अजीब तरीके से सब्जियां खा जाते हैं। नहीं, अच्छी चीज है भाई, वो मुझे पता है, बट मैंने बोला कि आप अपने जाएंगे तो वहाँ पे मसाला वगैरह, क्या वो पकोड़ा में भी यही डालते हैं। अच्छा, अच्छा जो कल खा रहे थे उसमें। 25,000 का लिया हमने, 25,000 बोलते 120 रुपए के आसपास। नहीं नहीं, सॉरी 5,000 का अपने, 25 रुपए का, 25 रुपए का। हाँ, ये भी पनीर है वैसे ही। अच्छा, हाँ, ये यानी कि वैसे ही सेम हो जाता है। अदरक भी है। ये मंडी के बाहर है, मार्केट के बाहर आगे भी बहुत लोग लाइव देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक कर रहे हैं बहुत अच्छे जी। लाइक करो, शेयर करो, हाँ, और सब्सक्राइब करो। प्लास्टिक बैन नहीं है भाई यहाँ पे, नहीं है ना? नहीं, प्लास्टिक है बैन। हाँ, बट अगर जैसे हम अब ये लोकल पासर है तो इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, मगर अब जैसे मान लो अपने मॉल में जाते हैं। हाँ, या उसमें जाते हैं, क्या बोलते अपने
सब्जी मंडी में जाते हैं वेयर अगर उसमें जाते हैं जैसे इंडो मार्ट वगैरह में वन एस सी जस्ट बाय वन अब अगर वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पे अपने को नहीं मिलेगी। अच्छा ये पालक है क्या? नहीं वो बताएंगे कहाँ पे कौन सी पालक बोल रहे हैं बट पता नहीं है कि नहीं उन्होंने बोला कि है। अच्छा अच्छा ये है क्या पालक ऐसी होती पालक? ना ना ये तो चोला जैसे लग रहा है तो देखना। नो नो दिस वन नॉट पालक नो। ओके क्या प्राइस है इसका पूछना? ये वहाँ 5,000 के 25,000 के तीन है ऐसे 25,000 के तीन है मतलब 25,000 बोले ना नहीं सब्जी आलू पालक 120 ले लो ले बना लेंगे। ओके टेक वन सैम टेक वन या देन मेक विद आलू आलू पालक। चलो फिर आलू पालक खाएंगे। हाँ बिल्कुल भाभी आपकी बना के खाएगी बिल्कुल आएगी। यानी कि यहाँ पे दो टाइप की पालक होती है जैसे वह अपनी वाली होती है एक दूसरी। अच्छा अच्छा हाँ वो देखो बैंगन भी पड़े दिख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हरे बैंगन भी है वो भी है लंबे वाले बैंगन भी हरे भी हैं और वेज भी मिल जाता है नॉन वेज भी मिलता है जो जैसे खाता है वैसे। अच्छा अच्छा ये अगर बनाएंगे बैंगन को भी बड़े तरीके से बनाते हैं मीठा करके। अच्छा जी हाँ सब्जी बनाएंगे जैसे अपने सूखी सब्जी बनाते हैं ना तो वैसे शुगर डाल के उसमें बनाएंगे। बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दो भाई कितने ज्यादा ये वो खाते हैं ना चिप्स वगैरह तो ये यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा मिलता है वो अपने को देख के हंस रहे क्या वो? हाँ वैसे हंस रहे हैं वो शर्मा रहे शर्मा नहीं रहे वो बोल रहे हैं कि दो यहाँ पे आ गए एक गोरा एक काला। अच्छा इनसे मिल लो फिर सारे बड़े खुश है देखो कितने आए बस रहे जी लोग मूंगफली ले थोड़ी सी। हाँ ले खा लेंगे काचंग लेटी गुड 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 या बट फ्राई रेडी रहे कितने ले? डोंट वांट थोड़ी सी ले लो लिटिल फॉर इट कर बस इतना खड़ी है क्या पूछेंगे भैया भी। वीडियो को लाइक कर दो भी पेज को फॉलो कर लो हजारों लोग लाइव देख रहे हैं भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ से मूँगफली खरीद रहे हैं और ये अभी ना मैं देख देख के हंस रहे थे पता नहीं मजाक उड़ा रहे थे क्या कर रहे थे। सब्जी महंगी मनोज जी नहीं कुछ चीज़ महंगी है कुछ सस्ती है ये देख लो तो पागल होगी लड़की मेरे ख्याल से देख वो है मूँगफली एक लाल दाने वाली है एक सफ़ेद है दोनों टेस्ट कर दोनों एक एक करके टेस्ट करना टेस्ट अलग लगा। ये नमकीन है कौन सी नहीं ये लो ये वाली नॉर्मल इंडिया वाली वी वांट दिस वन आई वांट दिस वन आई वांट ये इसकी खुद की दुकान है काम कर रही पूछना भी इससे शी इज ओनर और शी वर्किंग 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 है शी इज स्माइलिंग अ लॉट इंडोनेशियन पीपल ने काफी आइटम है देखो ना इसमें देखो ये कैंडीज टाइप में हो गया ठीक है वो देखो मटर है अपने वो मटर है भाई मटर होगी सही मटर होगी ये कुछ टिक्की वगैरह बना दिए जेलीस पड़ी है। प्राइस पूछना कितना दे रहे इसका सेंग जस आस हरगा हरगा ने रकम बात देने वो 35,000 का किलो 35,000 का किलो। अच्छा अच्छा यानी कि ये 165 रुपए किलो का स्नैक्स है इनके। अच्छा अच्छा देख लो बात से बहुत अच्छा है भाई। नमकीन का रेंट कितना है भाई पूछेंगे जी नमकीन का भी बहुत बढ़िया। अच्छा जी नॉर्मल नमकीन है ना इनके? हाँ हाँ ये सब नमकीन भी है मीठा भी है सब कुछ है। एक एक दो दो और प्राइस पूछो साथ साथ ना पीनट पाउडर यानी कि ये जो है ना मूंगफली इसके ऊपर पाउडर लगा के कुछ यहाँ का और उसके बाद उसको 140 ये मेरे ख्याल से छोले हैं भाई बड़े वाले
अच्छा छोले हाँ आप ट्राई भी कर सकते हो नमकीन है सब करो आप करना भाई अलग से भाई ट्राई करेंगे थोड़ा सा निकाल के मीठा सा होगा अच्छा फ्राई कर रखे ये हाँ फ्राई करके कुछ मसाला भी लगा रखा है इसमें हाँ, मसाला मीठा से मसाला होगा अच्छे कुरकुरे जैसे हैं हाँ जो वही है स्नैक्स हैं इनके देख कुरकुरे जैसा टेस्ट है कुरकुरे खाते हैं ना वैसा टेस्ट है ठीक है अच्छा ठीक है ये सब स्नैक्स हैं बड़ी बड़ी ऐसी दुकानें होती हैं हर जगह ये देखो जैसे ये फ्रेंच फ्राइज है बट उसकी है आलू की है मगर ये क्या पहले से फ्राई है बस लेके जाओ खा लो ठीक है ठीक है ये लड़की तो बावड़ी होगी लगा चल कोई नहीं ये कौन से भाई नमकीन भी होगी मिट्टी भी होगी उसकी मक्के की है मक्के के बीज हैं तो कुछ लगा के फ्लोर वगैरह और उसको फ्राई किया काफी चीजें ऐसी दुकानें यहाँ रहती है अगर किसी के घर पे जाओगे ना तो ऐसी चीजें 10-12 डब्बे आपके पास ला के रख देंगे खाते अच्छे से खाते रहो हाँ बहुत अच्छा भाई लाइक कर दो जी वीडियो को पेज को फॉलो कर लो पहली बार देख रहे हैं तो हम इंडोनेशिया में घूम रहे हैं इंडोनेशिया के मार्केट हम दिखा रहे थे आपको धीरे धीरे करके वो भी आपका वीडियो बना रहे हैं मनोज कुशवाहा जी कौन बना रहे हमारी वीडियो हाँ बहुत से लोग बना भी रहे हैं हमारे फोटोज ले रहे हैं ना हाँ फोटोज ले रहे हैं जैसे वहाँ पे गए थे आइस वाली दुकान पे गए थे तो वहाँ पे हमने जब वो लिया था फलूदा लिया था तो वो भी बना रहे थे जुलू भाई कह रहे हैं आपकी वीडियो ले रहे हैं जी हाँ जी ले रहे होंगे शायद कोई बात नहीं हम लेंगे यार उनके लिए बहुत से लोग ले रहे हैं फोटो और एक काला कहाँ से आ गया हाँ अपने एक राउंड मार लेते हैं औसाना ये देखो जी ओके हम ये पुराने वाली ये लेंगे पुराने वाली रिक्शा हाँ यहाँ वाली रिक्शा ले लेते हैं साथ में हाँ बिल्कुल ठीक है अभी इस वीडियो को लाइव एंड कर देते हैं भाई हम प्रियंका फैंस भी दिखाओ अपना फेस भी दिखाओ जी ये जी हम अभी घूम रहे हैं अच्छे और मार्केट के अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है घूम घूम के वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो पेज को फॉलो कर दो पहली बार देख रहे थे भाई और हम मस्त मस्त जगह और जाने वाले हैं तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए साथ साथ आपको थैंक यू